My name is Rashna Kancharia. My school name is LP Savani Vidya Bhavan. Standard 6, subject Hindi. हमारा पहला लेसन है दयालु शिकारी। तो मित्रों, ये एक चित्र पाठ है। चित्र देखकर हमें बताना है कि यह क्या कहना चाह रहे हैं। तो आज हम सीखते हैं कि चित्रों के द्वारा कहानी कैसे बनाते हैं। तो चलो आज हम सीखते हैं। हमारा प्रथम चित्र है, उसमें हम देखते हैं कि एक घने जंगल में मोटी और ताजी हिरनी दौड़ रही है। दूसरे चित्र में हम देखते हैं कि शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया और हिरनी की ओर निशाना साधता है। तीसरे चित्र में देखते हैं कि दौड़ती हुई हिरनी निशाने की सीध में आते ही शिकारी ने गोली छोड़ी। चौथे चित्र में देखते हैं कि गोली की आवाज सुनकर जंगल के दूसरे हिरन इधर उधर भागने लगे। पांचवे चित्र में देखते हैं कि हिरनी अपने छोटे शावक के पास एक पेड़ के नीचे बैठी है और अभी अभी उसने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। छठे चित्र में देखते हैं कि शिकारी हिरनी के पास गया। उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। शिकारी की गोली हिरनी के टांग में लगी थी और हिरनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर आया, उसे बहुत पछतावा हुआ। सातवें चित्र में देखते हैं कि शिकारी हिरनी को अस्पताल ले जा रहा है। आठवें चित्र में देखते हैं कि शिकारी हिरनी का इलाज करवाकर वापस जंगल ले जा रहा है। नौवें चित्र में देखते हैं कि हिरनी और उसका छोटा शावक फिर से जंगल में पेड़ पौधे खाने लगते है। मित्र, इस कहानी का उद्देश्य था कि पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई गई है। तो अब मित्रों, आपने जो कहानी सुनी उसके आधार पर हम प्रश्न के उत्तर सीखेंगे। पहला प्रश्न है कि पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है। तो पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। आपने देखा कि यहाँ फर्स्ट चित्र है उसमें हिरनी दौड़ रही है। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी। तो आपने देखा कि हिरनी जंगल में पेड़ और पौधे के पत्ते खाती है। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि हिरनी देखने में कैसी है। तो हिरनी देखने में मोटी ताजी है। फोर्थ है, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था। तो शिकारी मांस खाने के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। फिर क्वेश्चन 5 है, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया। गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के समीप गया। फिर छठा क्वेश्चन है, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा। तो हिरनी, आप देखते हो कि हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है। फिर क्वेश्चन 7 है, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया, क्यों। तो आप देखते हो यहाँ पे कि शिकारी हिरनी को अस्पताल ले जा रहा है क्योंकि उसकी टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है। फिर है 8, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया, क्यों। तो शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को बहुत दुख हुआ था। तो क्वेश्चन 3 हमारा है मित्रों की वर्णों के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाए। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है ख, तो ख से बना खरगोश, खत्म, खाली, खाना। अभी हमें ट से बनाना है, तो ट से आएगा टकसाल, टखना, टमटम। फिर ड है, तो ड से डमरू, डकार, डगमग। फिर म है, तो म से मकड़ी, मकर, मधुर। फिर भ है, तो भ से भगत, भगवान, भागदौड़। अभी हमने जैसे ये पहली कहानी चित्र देखकर हमने ये पहली कहानी जो सीखी उसी के आधार पर यहाँ पे एक दूसरी कहानी है। वो जो दूसरी कहानी है उसका जो शीर्षक है वो है बातूनी कछुआ। तो बातूनी कछुआ में कि एक तालाब था, उसमें कछुआ रहता था, वह बहुत बातूनी था। वहां दो हंस भी रहते थे, वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे। एक साल वहां बरसात बहुत कम हुई, तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। हंस तो उड़ सकता है क्योंकि उसके तो पंख है, लेकिन कछुए ने बोला मैं कैसे जा सकूंगा।
मुझे भी आना है। तब हंस ने बोला कि कोई बात नहीं, आप भी हमारे साथ आना, लेकिन हम दोनों एक लकड़ी लेंगे, उसका एक एक सिरा अपनी अपनी चोंच से पकड़ लेंगे। और बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया। फिर हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत, बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर जाओगे। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। ये जो कहानी है बातुनी कछुआ, इससे हमें यह सीख मिलती है कि बहुत बोलना बुरी आदत है, क्योंकि इसके कारण बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, यहाँ तक कि हमारी जान भी जा सकती है। इसलिए ज्यादा बोलना मना करते हैं। अभी उसके रिलेटिव ही एक ये दूसरी स्टोरी है, उसका नेम है, उसका शीर्षक है प्यासा कौवा। ये तो पुरानी स्टोरी है, आपने भी बहुत सारी बार पढ़ी होगी। कि एक कौवा था, एक बार उसे खूब प्यास लगी। उसने इधर उधर पानी की तलाश की, उसे कहीं पानी नहीं मिला। आखिर उड़ते उड़ते वह एक झोपड़ी के पास आया। यहाँ दिखाई दे रही, देखो ये झोपड़ी है, उसके पास एक घड़ा दिखाई देता है। घड़े में उसने देखा यहाँ पे तो थोड़ा ही पानी था, पानी बहुत नीचे था, कौवे की चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकती थी। फिर पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा। वहां आसपास बहुत कंकड़ पड़े हुए थे। उसने एक एक कंकड़ घड़े में डालना शुरू किया। कंकड़ों के कारण पानी घड़े के मुंह तक आ गया और कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और वो उड़ गया। तो ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आपत्ति आने पर हमें धीरज से काम लेना चाहिए और बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। हाँ, एक दूसरी ऐसी चित्रपाट की कहानी है। इसमें पुरानी आप कहानी जो सुनते हो ना, तो उसमें लोमड़ी को होशियार दिखाया गया है, यहाँ पे कौवे को होशियार दिखाया, कौवे को बुद्धिमान बताया गया है। सुनो आप, एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा बैठा। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। उसकी नजर कौवे की रोटी पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उससे रोटी ले लूं। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया कोई गाना सुनाइए ना, आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी है वो पंजे में जकड़ ली और वो जोर जोर से काव काव करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। अरे यह कौवा तो समझदार लगता है, ऐसा वो मन ही मन बोली और चलती बनी। फिर कौवे ने मजे से रोटी खा ली। सचमुच अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई हमें हमारी प्रशंसा करे तो हमें तुरंत उसकी प्रशंसा में नहीं आना चाहिए, लेकिन हमें होशियारी से काम लेना चाहिए। यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन के नीचे दिए गए शब्दों के विरोधी शब्द घेरे में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। यानी यहाँ पे ये विरोधी शब्द दिया गया है और ये कोष्टक में उसके आंसर है। हमें ढूंढना है कि उसका आंसर क्या है। तो फर्स्ट हमारा है दयालु, तो यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि दयालु यानी निर्दयी। फिर है बहुत, बहुत का क्या होगा, थोड़ा। फिर स्वस्थ तो अस्वस्थ, खुश नाखुश, जन्म मरण, बुराई भलाई। तो यहाँ पे नीचे इसके एग्जाम्पल उदाहरण दिए गए, यानी क्वेश्चन का भी सेंटेंस बनाया हुआ है और उत्तर का भी सेंटेंस बनाया हुआ है। देखो, दयालु मनोज ने आहत चिड़िया को बचाया। फिर है शिकारी निर्दयी होते हैं। वैसे हम बहुत का बनाते हैं, तो बहुत, तो तुम बहुत थक गए हो, बहुत का क्या है आंसर, विरोधी थोड़ा, तो थोड़ा अब थोड़ा आराम कर लो। फिर है स्वस्थ, आज मैं स्वस्थ हूँ, तो उसका है आंसर अस्वस्थ, तो कल मैं अस्वस्थ था। फिर है खुश, वह हमेशा खुश रहता है, खुश का आंसर है ना खुश, तो मैंने उसे कभी ना खुश नहीं देखा। फिर है जन्म, रोज कई बच्चों का जन्म होता है, उसका आंसर है मरण,
रोज कई लोगों का मरण होता है। उसके बाद है बुराई, मैंने आपके साथ कभी बुराई नहीं की। बुराई का होता है भलाई, मैंने आपके साथ हमेशा भलाई की है। उसी तरह आप कक्षा 5 में पढ़ चुके हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम वापस रिपीट करते हैं कि संज्ञा की परिभाषा यानी संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के प्रकार भी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, लेकिन वो आपको बाद में आएगा। अभी आपको सिर्फ सेंटेंस में से संज्ञा ढूंढना है और उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। हम यहाँ पे देखते हैं कि थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले, राम श्याम दोनों संज्ञा है। फिर है पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी, पूजन परीक्षा दोनों संज्ञा है। फिर है सब अंबाजी जा रहे थे, तो अंबाजी है वो संज्ञा है। फिर है गुलाब का फूल मुझे पसंद है, गुलाब फूल दोनों संज्ञा है। फिर है हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी, हिमालय संज्ञा है। फिर 5 है आज बिल्ली सारा दूध पी गई, बिल्ली दूध दोनों संज्ञा है। तो आपने यहाँ पे बहुत सारी कहानी सीखी, तो आप उसके रिलेटिव ही होमवर्क में आपको अच्छी सीख मिले ऐसी कोई कहानी पढ़ना, और न्यूज़पेपर में कोई ऐसी पिक्चर वाली चित्र वाली कहानी आती है तो उसमें से आप कहानी बनाना सीखना।